जय जिनेंद्र, वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनर। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी चार अलग अलग तरीके की बची हुई रोटी की रेसिपी। कभी कभी हमारे घर में रोटियां बच जाती है, तो वो रोटी का यूज़ करके इंस्टेंट नाश्ता बनाकर कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और ये चारों रेसिपी उतनी ही टेस्टी लगती है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। सबसे पहले हम छोले रोल बनाएंगे और उसके लिए मेरे पास 5 से 6 रोटी बची हुई है। और यहाँ मैंने आधा कप काबुली चना को 3 से 4 घंटे भिगाकर 6 से 7 सीटी लगाकर बॉईल कर लिया है। और बॉईल करने वक्त मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून छोले मसाला पाउडर और 1 कप पानी डालकर बॉईल कर लिया है। और आप देख सकते हो इस तरह मैश होए वैसे हमें बॉईल करना है। अब हम छोले मसाला बनाएंगे। उसके लिए बाउल में 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/8 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1/8 टीस्पून कसूरी मेथी डालकर सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह एक साथ में मसाला मिक्स करके ऐड करने से एक भी मसाला जलेगा भी नहीं। और आप चाहो तो रेडीमेड छोले मसाला पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। अब सब मिक्स हो गया है। अब एक कढ़ाई में 2 टीस्पून ऑयल डाल देंगे और ऑयल हल्का गर्म होने के बाद जो हमने ड्राई मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे और स्लो फ्लेम पर हल्का सौते करेंगे। मसाला जले नहीं उसका ध्यान रखेंगे। और आप चाहो तो ये मसाला ज़्यादा बनाकर भी आप स्टोर कर सकते हो। अब इसमें 1 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर देंगे। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। देखिए इस तरह हल्का सौते करने से मसालों में से ऑयल छूटने लगेगा। अब जो हमने बॉईल किया हुआ चना था उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर थोड़ा चम्मच से इस तरह प्रेस करते हुए मिक्स करेंगे, जिससे छोले थोड़े मैश हो जाएंगे और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोले मसाला हमें इस तरह हल्का ड्राई रखना है और टमाटर की प्यूरी की वजह से सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और कंसिस्टेंसी हम इसी तरह रखेंगे। अब हमारा छोले रोल बनाने के लिए स्टफिंग तैयार है। अब यहाँ मैंने एक रोटी ली है और बीच में इस तरह स्टफिंग थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और नीचे से हम थोड़ा गैप छोड़ देंगे। और स्टफिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो। अब इस तरह एक फोल्ड कर देंगे और साइड से भी फोल्ड कर देंगे। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें 1 टीस्पून घी डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। और इसे हम पलट पलट कर दोनों बाजू से 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और ऊपर के साइड भी हम थोड़ा सा घी डाल के साइड चेंज कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। देखिए 2 से 3 मिनट में छोले रोल दोनों बाजू से क्रिस्प होने तक इस तरह रोस्ट कर लेना है। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार छोले रोल बन के रेडी है और इतने स्टफिंग में से हम 5 से 6 रोल बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, तो आप भी इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। अब हम बहुत ही टेस्टी तड़का वाली मसाला रोटी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 6 से 7 रोटी ली है और इसे हम नाइफ़ की मदद से इस तरह स्क्वायर कट कर लेंगे। आप चाहो तो हाथ से भी तोड़कर टुकड़े कर सकते हो। अब कट करने के बाद इस तरह मिक्स कर लेंगे और कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 1/2 टीस्पून राई डालकर राई को चटकने देंगे। राई चटक जाने के बाद 1/4 टीस्पून जीरा, 1/8 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 कटी हुई हरी मिर्ची और 6 से 7 करी पत्ते डालकर इसे हम थोड़ा सौते कर देंगे। गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। देखिए इस तरह उबाला जाने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 1 कप दही को फेंट के ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे और इस तरह चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे दही फटेगा नहीं। आप चाहो तो दही और पानी की जगह 2.5 से 3 कप छाछ का भी यूज़ कर सकते हो। देखिए इस तरह उबाला जाने के बाद जो हमने रोटी के टुकड़े किए थे वो ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और रोटी के टुकड़े डालने के बाद इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद गैस बंद कर देंगे और तुरंत इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। इसे हमें गर्मा गर्म ही सर्व करना है, नहीं तो ये सॉगी हो जाएगा और कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हो। बहुत ही मज़ेदार तड़का वाली मसाला रोटी बनकर रेडी है। अगर आपको पसंद है तो आप 1/2 टीस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर सर्व कर देंगे। इसे आप गर्मा गर्म खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो इसे आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करना। अब हम बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल रैप बनाएंगे, जिसके लिए मेरे पास 6 से 7 रोटी बच गई है। अब हम एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल और 1 टीस्पून घी डाल देंगे। घी और ऑयल गर्म होने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर इसमें हम 1/2 कप बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। और साथ में 1/2 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम भी ऐड करेंगे और दोनों को हम स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर देंगे। कैप्सिकम और टमाटर को मैंने चॉपर में एकदम बारीक चॉप कर लिया था। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करके सौते करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे और चम्मच से थोड़ा इस तरह प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे, जिससे टमाटर और कैप्सिकम थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसे हम वापस ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब 1.5 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार चम्मच से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम बिना ढके ही 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे और चम्मच से इस तरह चलाते रहेंगे, जिससे जो स्टफिंग में मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। देखिए अब स्टफिंग बनकर रेडी है, तो अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम तंदूरी मेयोनीज बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है और इसमें 1/2 टीस्पून तंदूरी मसाला पाउडर ऐड करेंगे। और तंदूरी मसाला पाउडर कैसे बनाना है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मेयोनीज भी घर पर कैसे बनाना है उसके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अब वेजिटेबल रैप बनाने के लिए मैंने यहाँ ग्रीन चटनी, तंदूरी मेयोनीज, स्टफिंग और टमाटो केचप लिया है। साथ में टमाटर और ककड़ी और कैबेज को इस तरह पतली और लंबी काट के लिया है। अब रैप बनाने के लिए मैंने यहाँ एक रोटी ली है और बीच में से हम इस तरह एक कट लगा लेंगे। अब हम एक पार्ट में जो स्टफिंग बनाया था वो स्प्रेड कर देंगे। स्टफिंग आप इस तरह थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करेंगे और ऊपर हम जो कैबेज को काट के रखा था वो थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और साइड में हम तंदूरी मेयोनीज भी स्प्रेड करेंगे और तीसरे पार्ट में हम चीज़ ग्रेट करेंगे और फोर्थ पार्ट में हम इस तरह ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे और थोड़ा सा टमाटो सॉस भी स्प्रेड कर देंगे। अब ऊपर ककड़ी की स्लाइस रख देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और टमाटर की स्लाइस भी रख देंगे और चाट मसाला पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो पहले हम स्टफिंग वाला पार्ट को मेयोनीज पे रख देंगे और मेयोनीज वाला पार्ट को हम चीज़ पे रखेंगे और फिर लास्ट पार्ट को भी फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारा वेजिटेबल रैप बनकर रेडी है और इसी तरह फोल्ड करना है, जिससे एक भी स्टफिंग बाहर भी नहीं आएगा। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के लिए मैंने नॉनस्टिक पैन पे 1 टीस्पून घी डाल दिया है। अब इस पर हम रैप रख देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट कर लेंगे और ऊपर भी हम थोड़ा सा घी डालकर साइड चेंज कर देंगे और दोनों बाजू से क्रिस्प होने तक रोस्ट करेंगे। और एक रैप रोस्ट होने में 2 से 2.5 मिनट लगेगी। देखिए दोनों बाजू से रोस्ट हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल देंगे और दूसरे रैप भी इसी तरह बनाकर रोस्ट कर लेंगे और इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल रैप बनकर रेडी है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो इसे आप एक बार घर पर जरूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। अब हम बनाएंगे बची हुई रोटी से एकदम क्रिस्पी खाकरा, जिसके लिए मेरे पास 7 से 8 बची हुई रोटी और ये रोटी घी लगाई हुई है। अगर घी नहीं लगाया हुआ है तो आप जब रोस्ट करना है तब थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगाकर स्प्रेड कर देंगे, फिर तवे पर रोस्ट करेंगे। अब रोटी को हम तवे पे डाल देंगे और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे और पलट पलट कर एक बार गरम कर लेंगे, फिर इस तरह थोड़ा सा प्रेस करते हुए रोस्ट करेंगे। और रोटी को हमें इस तरह किनारों से ही प्रेस करते हुए रोस्ट करना है, बीच में से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही रोस्ट हो जाएगी।
और रोटी इस तरह पतली होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मोटी रोटी होगी तो रोस्ट करने में टाइम लगेगा। अब पलट पलट कर दोनों बाजू से प्रेस करते हुए रोस्ट कर लेना है और गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम रखेंगे जिससे रोटी जलेगी नहीं। एक रोटी रोस्ट होने में 2 से 2.5 मिनट लगेगी। देखिए एक बाजू से रोटी रोस्ट हो चुकी है और रोटी को हमें क्रिस्प होने तक रोस्ट करना है। देखिए रोटी दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है और इसी तरह मैंने 8 रोटी को रोस्ट कर लिया है। और इस तरह रोटी के खाखरे बना के आप 15 से 20 दिन तक भी स्टोर कर सकते हो और बिल्कुल बिगड़ेंगे भी नहीं। अब हम खाखरे पे थोड़ा सा सिंगदाना का मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा घी डालकर दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पूरे खाखरे में हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। सिंगदाना का मसाला घर पर कैसे बनाना है उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और इस तरह का मसाला वाला खाखरे को आप सुबह में ब्रेकफास्ट में या फिर शाम में चाय के साथ या फिर बच्चों के टिफिन के लिए भी दे सकते हो। इसे आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।